अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो बैंक अल्फला से रिलेटेड है। बैंक अल्फला पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेज हैं इसकी, बहुत पुराना बैंक है, ठीक है, कामयाब तरीन बैंक है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। हर गली मोहल्ले में आपको बैंक अल्फला की जो है वो आसान से ब्रांच अवेलेबल मिल जाएगी। बैंक अल्फला का एक बहुत ही कामयाब तरीन अकाउंट है जिसका नाम है जनाब बैंक अल्फला केयर सीनियर सिटीज़न अकाउंट। बेसिकली सीनियर सिटीज़न अकाउंट है, लेकिन लोग क्या करते हैं जनाब, फैमिली के साथ, सीनियर सिटीज़न जो फैमिली में है उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और अपने पैसे उस अकाउंट में रख देते हैं और सीनियर सिटीज़न के नाम पर अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। रिसेंटली जो है बैंक अल्फला ने अपने केयर सीनियर सिटीज़न अकाउंट का मुनाफा जो है वो तब्दील किया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब केयर सीनियर सिटीज़न अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके अलावा बैंक अल्फला केयर सीनियर सिटीज़न का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है, ठीक है, मतलब हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बाद जो है वो प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब बैंक अल्फा केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है वो भी आज के वीडियो का हिस्सा होगा, ठीक है, जिससे होगा ये कि जनाब आपको बैंक के 10-15-20 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट जो है वो आपका अकाउंट खुल जाएगा, मतलब अकाउंट खुलवाने का A to Z मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। बैंक अल्फला केयर सीनियर सिटीज़न जो बनाया गया है वो खास तौर से जो बनाया गया है वो सीनियर सिटीज़न के लिए बनाया गया है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के लोग इस पर भी एडवांटेज हासिल करते हैं, ठीक है। कुछ बेनिफिट्स की बात कर ले जनाब, अट्रैक्टिव रिटर्न्स विद ऑन मंथली पे आउट, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मंथली इसका प्रॉफिट मिलता है और शानदार प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन डेली बैलेंस, मतलब रोज़ाना का जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा डेली प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। टायर बेस्ड प्रॉफिट रेट, अभी टायर बेस्ड तो नहीं है, ठीक है, बहरहाल नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब एक रुपये भी अकाउंट में है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। फ्री ई स्टेटमेंट मौजूद है जनाब, फ्री SMS अलर्ट ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, SMS अलर्ट भी मिलेगा जो ATM वगैरह से ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। फ्री लोकल फंड ट्रांसफर टू एनी बैंक अल्फला अकाउंट, ठीक है, मतलब कोई शख्स बैंक अल्फला में अकाउंट खुलवाने के बाद जो है पूरे पाकिस्तान में बैंक अल्फला की जो भी ब्रांचेज है उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। ऑर्बिट रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलता है जनाब, ऑटोमोस्ट ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस, ठीक है, मतलब आसानी से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा भी अकाउंट में आप पैसे जमा करवा सकते हैं, 100 दफ़ा भी निकलवा सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। इसके साथ साथ जनाब कुछ फ्री सर्विस की बात करते हैं जनाब, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू 1000+ ब्रांचेस, ठीक है, 1000+ जो ब्रांचेस हैं उसमें आप फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री चेकबुक, मतलब ये आप अकाउंट खुलवाते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट तो चेकबुक आपको फ्री मिलेगा। बैंकर्स चेक, मतलब जो पे ऑर्डर होता है अब लेटेस्ट उसका नाम बैंकर्स चेक है, बैंकर्स चेक जो है वो भी फ्री मिलेगा। सेम डे क्लियरिंग, वो भी जिसके चार्जेस होते हैं सेम डे क्लियरिंग के, वो भी फ्री। इंटरसिटी क्लियरिंग जो है वो भी फ्री है। इसके अलावा फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न जो है उसके भी कोई चार्जेस नहीं, वो भी फ्री है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब, बैंक अल्फला के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने दिखाना होता है जब भी आप अकाउंट खुलवाएं, ठीक है, कोई सा भी बैंक हो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड अकाउंट खुलवाते वक्त आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सिंपल से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, लेकिन अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो बैंक वाले बैंक ऑफिसर अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहां जहां साइन करना होता है वहां वहां साइन कर देगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है इनकम प्रूफ। अब सब इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर जरा गौर से सुनिएगा,
इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसको अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत गोल्डन हैंडशेक के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पर दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पर लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब अकाउंट खुलवाने का तरीका इतना सिंपल है। बैंक अल्फला की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट होता है, इस पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो CZ50 का फॉर्म होता है, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी साथ साथ जमा करवा देंगे, तो इंशाल्लाह अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। जनाब ये तो हो गया अकाउंट खुलवाने का तरीका। अब बैंक अल्फा केयर सीनियर सिटीजन का मुनाफा जो है वो रिसेंटली तब्दील हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं जनाब बैंक अल्फा का नया मुनाफा क्या है, उसके बाद हम टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, देखेंगे टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, उस पर टैक्स देखेंगे, और फिर वीडियो हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। बैंक अल्फा की तरफ से जनाब मुनाफा रिलीज जो है वो जारी हो चुका है, ये दिख रहा है आपको बैंक अल्फा केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, और इसका मुनाफा जो है वो नया मुनाफा 16% हो गया। इसका मुनाफा पहले कुछ अरसे पहले महीना डेढ़ महीने पहले जो 18% 18.5% 19-20% तक 20-21% तक होता था, लेकिन जैसे जैसे शरह सूद में कमी हुई है उसी तरह बैंक अल्फा ने अपने मुनाफे रेट में कमी कर दिया, और तमाम प्राइवेट बैंकों ने अपने मुनाफे में कमी की। ठीक है, कमी के बावजूद जनाब 16% का मुनाफा है, ये भी एक अच्छा मुनाफा है, इस पर कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 17.5-18% का मुनाफा जो है वो बन जाएगा। अब सबसे पहले मुनाफे की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि मंथली मुनाफा क्या बनेगा, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। बैंक अल्फा केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है, रेट है 16%, मतलब 1,00,000 पे साल का मुनाफा बनेगा 16,000 रुपये का। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,333 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 200 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे हर महीने 1,133 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 16%, मतलब 1,00,000 पे साल का मुनाफा बनेगा 1,60,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,333 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 467 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पर 866 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ठीक है, तो फाइलर का प्रॉफिट तो फिर भी काफ़ी बेहतर है, नॉन फाइलर पर टैक्स बहुत ज़्यादा 35%, इसकी वजह से मुनाफा उसका काफ़ी कम है। अब बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन है कि 1 साल तक ना अपने अपने अकाउंट से जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना वो होता है, और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे आप। ठीक है, मतलब एक साल तक हर महीने मुनाफा आ रहा होगा, वो भी अकाउंट में रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी अकाउंट में रहेगा, उन दोनों को आप टच नहीं करेंगे। होता ये कि फॉर एग्जांपल आपने 10,00,000 रुपये की सरमायाकारी की है, तो एक महीने के बाद क्या होगा, तकरीबन 15,000 रुपये का फ़र्ज करते हैं मुनाफा अकाउंट में है, आपने मुनाफा अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 रुपये का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 रुपये अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने का मुनाफा भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, पिछले 2 महीना 15-15, 30,000 का जो मुनाफा अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा। तो इस तरह हर महीने का मुनाफा अकाउंट में रहने देंगे तो हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, 1 साल तक मुनाफा हासिल करते रहेंगे, तो जनाब मुनाफा रेट में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो जाता है, और इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब एक नज़र जो है उसकी कैलकुलेशन पे डाल लेते हैं जनाब, कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा। ठीक है, रेट बन जाएगा 17.70%, मतलब 1,00,000 पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,77,000 रुपये का। ठीक है, 1,77,000 का 1,00,000 पर मुनाफा, सॉरी 1,00,000 पे जो साल का मुनाफा हो जाएगा वो 17,700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1,00,000 पे साल का मुनाफा हो जाएगा 17,700 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 1,475 रुपये का। अगर आप फायलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 221 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,254 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फायलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। मतलब साल का मुनाफा 1,00,000 पे बन रहा है 17,700 रुपये का, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1,475 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,254 रुपये का। और इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 17.70%, मतलब साल का मुनाफा हो जाएगा
1,17,700 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 1,475 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 516 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,09,59 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अल्फा केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।